नमस्ते वर्षा, सिंपल रेसिपी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक हेल्दी डिश बना के दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको पनीर फ्रेंकी रोल बना के दिखाने वाली हूँ, और मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है। इसके लिए ये जो रेसिपी है वो आपको एंड तक देखनी है। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी गाजर कट करके लिया है। यहाँ पे एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर और कैप्सिकम भी कट करके लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल पनीर भी कट करके लिया है। मैंने यहाँ पे धनिया लिया है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच शेजवान चटनी लिया है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लिया है। यहाँ पे सूखे मसाले लिए हैं। इसमें नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया और चाट मसाला भी लिया है। अभी हम सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है। पैन गरम होने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल डालने के बाद में इसमें मैंने 1 बड़ी प्याज कट करके इसको अभी अच्छे से भूनना है। प्याज हमें ज़्यादा ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। प्याज सॉफ्ट होने के बाद इसमें हमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे गाजर भी ऐड किया है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। गाजर को अच्छे से स्टर करने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड किया है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अभी बाकी के हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट डाल के लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टमाटर भी कट करके इसमें ऐड किया है, और 1 बड़ी शिमला मिर्च भी ऐड की है। सब सब्जियों को हमें अच्छे से स्टर करना है। यहाँ पे मैंने सब ड्राई मसाले भी इसमें ऐड किए हैं। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है। सब मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें मैंने रेड केचप और सेजवान चटनी भी ऐड किया है। मैंने टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून लिया है इसमें। अच्छे से मिक्स होने के बाद में हमें इसमें पनीर ऐड करना है, क्योंकि पनीर को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। पनीर और सब्जियाँ अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब वेजिटेबल्स और पनीर भी इसमें ऐड किया है। अभी लास्ट में हमें यहाँ पे धनिया भी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने नींबू का दो दो तीन ड्रॉप भी डाला है। आपके पास आमचूर पाउडर होगा तो भी यहाँ पे डाल सकते हो। सब्जियाँ अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के 2 से 4 मिनट यहाँ पे स्टीम आने के लिए रखना है। सब्जियाँ और मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पे मैंने अभी गैस बंद किया है। अभी मैंने यहाँ पे एक
आटा गून के लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा और दो से तीन टेबलस्पून मैदा डाल के यहाँ पे मैंने आटा गून के लिया है। ये आटा मैंने आधा घंटे के लिए गून के रखा था। इसकी हमें अभी रोटी बना के लेनी है। इसकी हमें पतली रोटी बनानी है और तवे पे इसको अच्छे से सेकना है। रोटी को हमने अभी दोनों तरफ से अच्छे से सेक के लेना है। यहाँ पे मैंने घी भी लगा के, दोनों तरफ से घी लगा के मैंने यहाँ पे रोटी अच्छे से सेक ली है। अभी यहाँ पे हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। यहाँ पे हम फ्रैंकी बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लगता है वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेयोनीज लिया है। मेयोनीज और टोमेटो केचप ऐड करके मैंने यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड किया है। यहाँ पे आप ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं। ग्रीन चटनी में आपको पुदीना और धनिया, ग्रीन चिली, ये सब ऐड करके ये पेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी ऐड नहीं की है। उसके बाद जो हमने पनीर की सब्जी बनाई थी, यहाँ पे हम वो डाल के लेते हैं। बाद में यहाँ पे कैबेज भी कट करके लिया है। यहाँ पे आप अपने चॉइस से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्याज भी डाल सकते हो। बाद में यहाँ पे मैंने चीज़ यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड किया है। अभी ये सब पूरा डालने के बाद अब हमें तवे पे ये फ्रैंकी 2 मिनट के लिए अच्छे से गर्म करके लेनी है, क्योंकि जो चीज़ डाला था उसको अच्छे से मेल्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रैंकी फिर से गरम करके लिया है। यहाँ पे फिर से आप घी भी डाल सकते हो गरम करने के लिए। इस तरह हमारी हेल्दी वेजिटेबल पनीर फ्रैंकी रोल तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जो मैं न्यू न्यू रेसिपी डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस तरह से ये फ्रैंकी आप कट करके भी खा सकते हो, और ये फ्रैंकी छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।